हे गाइस, दिस इज हर्षित हियर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की तरह एक क्लिक में कैसे कैमरा एंगल चेंज करते हो। उसके बाद मैंने सोचा भाई ये कैसी चीज पूछ रहे हैं लोग, मतलब कि किसी और ने वीडियो नहीं बनाया क्या। मैं गूगल पे जाके देखा, बहुत लोग ने वीडियो बनाया उस पे। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, मेरे को ऑलरेडी मालूम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वीडियो बनी है, लेकिन मैंने सोचा भाई अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग की मैपर को अच्छे से कैसे यूज कर सकते हो। और साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम कीबोर्ड यूज नहीं कर पाते की मैपर यूज करते समय, तो उसका भी सोल्यूशन है ब्रो। की मैपर को बंद भी करना पड़ेगा, तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करते जाओगे, साथ में टाइप भी करते जाओगे, और क्या चाहिए भाई। लेकिन मैं तुम लोग से बहुत ज्यादा गुस्सा हूं भाई, कोई लाइक ही नहीं करता वीडियो को, पता नहीं भाई क्या हो गया यार। मैं सोचता था कि भाई लाइक आएंगे, कोई लाइक ही नहीं करता। इस वाले वीडियो का लाइक टारगेट दे रहा हूं मैं 3000 लाइक का, जाओ जल्दी जाके कर दो। एक लेजिट ऑडियंस की यही पहचान होती है कि वीडियो में भर भर के लाइक आए, और यार तुम लाइक नहीं करते तो ऐसा लगता है कि बॉट ऑडियंस हो तुम लोग। तो मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर में Q&A किया था, और भाई पता नहीं बहुत सारे लोग ने तो वो Q&A देखे ही नहीं। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एंड ऑल्सो आज का शाउट आउट जाता है इन बंदों को, अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं अपने गेम में आ चुका हूं, और मैं हाइड हड कर रहा हूं, पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूं, वो भी एक क्लिक में, वो भी अपनी वॉल्यूम बटन को अप डाउन करके। और ऐसा नहीं है कि भाई ये लैग कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है और सब चीज अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड ये सबसे ज्यादा काम पता है कहां पर आता है, ये काम वहां पर आता है जहां पर आप लोग फास्ट हर चीज कर रहे होगे, और भाई अगर सेटिंग में जाके करोगे तो फिर तो खत्म ही हो गए तुम। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप लोग एक बार सीख गए ना कि इसको यूज कैसे करना है, भाई इसको हमेशा यूज करोगे, क्योंकि मैं ना 1.5 साल से इसको यूज कर रहा हूं, मतलब जब से मैं MCPE खेल रहा हूं ना तब से मैं इसको यूज कर रहा हूं, और लिटरली मैंने आज तक अनइंस्टॉल नहीं किया इसे। अब कीमैपर को यूज करते करते आप लोग बोलोगे कि भाई हम कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते क्या, तो देखो अभी मैं आपको कीबोर्ड यूज करके दिखाता हूं कि कीबोर्ड कैसे यूज करना है। तो यहां पर मैं चैट खोलता हूं, और चैट में मैं कुछ लिखने का ट्राई करता हूं। ड्यूड देखो मैं लिख पा रहा हूं यहां पर। अब आप लोग बोलोगे भाई तू कैसे लिख पा रहा है, भाई ये इंपॉसिबल है, तू मतलब कि अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर रहा है, लिख भी पा रहा, तो भाई ये कैसे हो सकता है हमको भी बता। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको ये सब चीजें कैसे करना है, और आगे वाली स्टेप को ध्यान से देखना, नहीं तो आप लोग बोलोगे भाई तूने जो बताया वो तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, और आपको सर्च करना है की मैपर, और आपको की मैपर को डाउनलोड कर लेना है। देखो मैं की मैपर यहां पर लिखा, और सबसे ऊपर जो आ रहा है ना इसको डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद आपको एक और चीज डाउनलोड करना है की मैपर GUI कीबोर्ड, यही चीज आप लोग को सेम लिखना है। देखो मैंने लिखा और यहां पर देखो आ गया, आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं की मैपर GUI कीबोर्ड बाद में बताऊंगा, सबसे पहले की मैपर बताते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप से आएगा, और आप लोग को यहां पर बैक जाना है, और ये इनेबल एसेसिबिलिटी ना नीचे जाना है, यहां पर आप लोग को दिखेगा की मैपर, आपको इसे ऑन करना है। देखो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया, मैंने इसे ऑन कर दिया। देन आपको बैक जाना है, और आप लोग को दूसरी चीजें भी करना है, आगे जाना है और यहां पर टर्न ऑफ पे क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको आगे जाते जाना है, और आपसे जो जो चीज बोलेगा आपको करना है, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको यहां पर प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड ट्रिगर बटन पे क्लिक करना है, और वॉल्यूम अप वाली बटन दबाना है। तो देखो यहां पर ये ट्रिगर हो चुकी है। आपको एक्शंस में जाना है, और यहां पर आपको ऐड एक्शन पे क्लिक करना है, और आप लोग यहां पर इनपुट की पे करना है, और आप लोग यहां पर F5 को ढूंढना है। तो देखो मैं यहां पर सर्च भी कर सकता हूं, नीचे एक सर्च का बटन है, अगर आप लोग को सर्च नहीं करना तो सर्च मत करना, मैं तो सर्च करूंगा भाई, मैं तो आलसी हूं। और यहां पर उसके बाद आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहां पर यही वाली में क्लिक करके नीचे एक सेव का बटन है उस पर क्लिक कर देना। अब आपने उसे सेव कर लिया, अब आपको बैक आना है, और आपको फिर से यहां पर प्लस वाली बटन पे क्लिक करना है, और आपको रिकॉर्ड ट्रिगर में क्लिक करना है, और वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबाना है। तो वॉल्यूम डाउन दबाने के बाद आप एक्शन में क्लिक करना है, और एक्शन में जाने के बाद आपको फिर से यहां पर इनपुट में क्लिक करना है, और अब आपको F1 ढूंढना है, ये भी सेम वैसे डन करना है, और बैक आ जाना है, और अब आपका हो चुका है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, देखो ये ऐसे कोई नहीं बताता टिप, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर आप लोग को जल्दी से जल्दी कीबोर्ड चेंज करना है, मतलब कि की मैपर से अपना गूगल कीबोर्ड और गूगल कीबोर्ड से की मैपर जल्दी जल्दी स्विच करना है, तो आप लोग को कैसे करना है देखो मैं बताता हूं। ये करने के लिए आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है। देखो मैंने नीचे किया, और अभी आपको यहां पर कोई भी बटन नहीं दिख रही होगी की मैपर के नाम से, तो आपको ऊपर जो एडिट का बटन रहता है ना इस पर क्लिक करना है, और यहां पर आप लोग को स्क्रोल करना नीचे वाली जगह पे, यहां पर आप लोग को कहीं ना कहीं पर की मैपर, देखो यहां पर की मैपर वाला एक बटन है, देखो ये जो ये वाला बटन है ना आपको उसको उठा के ले जाना है यहां पर। अब आई डोंट नो कि ये आपके फोन में है कि नहीं, लेकिन अगर होगा तो सही है। नाउ अब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर इनसफिशिएंट परमिशन आ रहा है, तो देखो तुम लोग को आ सकता है बार बार, इसलिए तुम लोग को की मैपर को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और देखो यहां पर ओके कर देना है, और बैक आ जाना है। तो देखो अब ये काम करेगा, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा चूज कीबोर्ड हो गया, और जैसे ही मैं उस पे क्लिक करूंगा यहां पर चूज की मैपर हो गया। नाउ मेन चीज तो अब आती है, अगर आप लोग इतनी स्टेप करने के बाद गेम में जाओगे ना तो आप लोग पर्सपेक्टिव तो चेंज कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोग का की मैपर अनेबल रहेगा ना तो इनेबल करने के बाद आप लोग वहां पर कीबोर्ड को यूज नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ लिख नहीं पाओगे, तो ये तो तुम लोग के लिए बहुत गलत चीज हो गई ना। तो चलो आगे वाली स्टेप देखो, अब आपको ओपन करना है की मैपर GUI कीबोर्ड, देखो ये है, यहां पर मैंने इसे क्लिक किया, और उसके बाद आपको यहां पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, इनेबल इन सेटिंग, और की मैपर GUI कीबोर्ड को इनेबल कर देना है, और यहां पर आप लोग को यहां पर इसे सिलेक्ट भी कर लेना, देखो इंग्लिश US लिखा है, और बस हो गया, ये फिनिश हो गया। देखो अगर आप लोग का नोटिफिकेशन बार वाला काम नहीं करता कीबोर्ड चेंज करने का, तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपको जाना
चैट में, और यहाँ पर आप लोगों को कीबोर्ड खोलना है और यहाँ पर जो इंग्लिश लिखा है उसको ड्रैग करके रखना है और यहाँ से नीचे जाना है और आपको की मैपर जीयूआई कीबोर्ड को इनेबल कर देना है। और आप जैसे ही कर लोगे तो देखो आप यहाँ पर टाइप भी कर पाओगे और पर्सपेक्टिव भी चेंज कर पाओगे। मुझे पता है आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे थे, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे थे ना तो नीचे कमेंट में जाके एक बार हैशटैग थैंक्स इसपंकी लिख देना, बिकॉज ऐसा अगर तुम लोग लिखोगे ना तो एक एक चीज मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। इवन यार तुम्हारा एक एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे मेरे को वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और मुझे ये भी पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ने लाइक नहीं किए, पता नहीं भाई काय का वेट कर रहे हो लोग, तो जाके लाइक करो यार। क्यों लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, लाइक कर रहे हो कुछ का पैसा लगता है, तो जाके लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।